मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कसते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने भी अपनी तैयारियां नए सिरे से शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार बसपा की यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 17 आरक्षित सीटों पर नजर है, जिसको लेकर मायावती ने खास प्लान बनाया है। बसपा प्रमुख मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। बसपा अपनी रणनीति के तहत अब पार्टी के पुराने नेताओं के जरिए 17 आरक्षित सीटों पर दाव खेलेगी। दरअसल साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने नगीना और लालगंज आरक्षित वर्ग की 2 सीटों को अपने नाम किया था। वहीं दूसरी ओर अन्य आरक्षित सीटों पर बसपा काफी कम अंतर से हारी थी, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो अब इन सीटों को जीतने के लिए यह खास प्लान बनाया है और अब बीएसपी उम्मीदवार के लिए अपने पुराने नेताओं को तलाश रही है। मायावती ने आरक्षित सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के मंडल प्रभारियों को लगातार आरक्षित सीटों पर कैंप लगाकर लोगों से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मायावती इन दिनों 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में काफी व्यस्त हैं, लेकिन इसके साथ ही वो खाली समय में उत्तर प्रदेश के जिलों में मंडलवार बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने में लगी है, साथ ही आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मायावती ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिससे उन्हें 2 सीट जीतने में मदद मिली थी, लेकिन इस बार गठबंधन के साथ न होने के चलते उनके लिए मुश्किल बढ़ी है। Thank you.